हाँ जी, अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में क्या है भाई? फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देख लेना यहाँ पे जगह कम है, ठीक है? इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। राइट, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, अगेन मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जिस जो चीज रिवर्सेबल है, जैसे कि बॉइल ऑफ वाटर, वाटर को हम बॉइल कर रहे हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं, उसको ब्रेज कर सकते हैं, फिर से उसको बॉइल करेंगे तो वो फिर से मतलब मेल्ट हो जाएगी, ठीक है? उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ऑलराइट, मेल्टिंग आइस, अगर हम किसी आइस को, किसी आइस क्यूब को लेंगे, बर्फ को लेंगे, तो उसको हम मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करके वो पानी बन जाएगी वाटर में, वाटर में, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लिक्विड फॉर्म से हम उसको फिर से फ्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्या है? रिवर्सेबल है। वैसे मिक्सिंग सैंड। ऑलराइट, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो कंबशन मतलब बर्न, किसी चीज को जब हम जलाएंगे, ठीक है, जलाएंगे तो क्या बता? अब इसको जला रही हूं मैं, इसको जला दूं तो क्या फिर से हम इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक नई चीज बन के आएगी, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन के आएगा। क्या बनेगा? एशेस, राख बन जाएगी इसकी। तो जब राख बनेगी उससे हम दोबारा से अपने मॉलिक्यूल को नहीं बना सकते हैं, रिवर्सेबल नहीं है। कौन रिवर्सेबल नहीं है? तो कुछ एग्जांपल है, रॉटिंग ऑफ फ्रूट। अगर कोई फ्रूट है सड़ गया, गल गया, खराब हो गया, तो दोबारा ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ठीक। सड़ गया तो सड़ गया, गया तो गया, अब क्या बन जाएगा? उसकी खाद बनेगी। ऑलराइट, वैसे ही डाइजेशन की अगर हम बात करें, खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, हां ज्यादा आगे मत जाओ उसमें। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? अगर तुम वाटर को, वाटर प्लस शुगर, बार बार यही आ रहा है कहोगे, तो क्या बन जाएगा? एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा जी, बन जाएगा कि नहीं, है ना? अगर हम बात करें वाटर एंड सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट की बात करें तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सॉल्यूशन। अगर हम बात करें वाटर प्लस, वाटर प्लस एल्कोहल, तो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना? बन जाएगा ना सॉल्यूशन। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भाई होता क्या है? तो भाई कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है? अब सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्यूट क्या हुआ, क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि ये दे दिया, इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, जिसमें हम किसी चीज को मिला रहे हैं, जस्ट लाइक वाटर में हम शुगर को मिला रहे हैं, ठीक है? तो मैंने अभी तुम्हें प्रोपोर्शन बताया कि क्या होगा, 1:4 होगा, ठीक है? इतना वाटर होगा और इतना शुगर। तो जो ज्यादा होगा, जिसमें मिला रहे हैं, वाटर के अंदर मिला रहे हैं हम शुगर को, तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्वेंट प्लस, और शुगर को मिला रहे हैं भाई, ठीक है? तो शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक गिलास हमने वाटर लिया, राइट, उसके अंदर हम शुगर डाल रहे हैं, उसको मिक्स, मतलब हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर उसको मिला रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर मिला रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने अंदर जो वाटर है, जिस जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उसने उतनी अपने अंदर शुगर को डिजोल्व कर लिया। अब और कैपेसिटी नहीं है, और डिजोल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है? होता है ना, एक ऐसी स्टेज आती है। तो अब तुम ये बात समझो कि जिसके अंदर मिलाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम? सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसको मिलाया जा रहा है उसको सॉल्यूट कहेंगे। उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसको हमने ज्यादा मात्रा में लिया, जिसके अंदर मिलाया, वो बड़ा है, वैसे ही इसकी स्पेलिंग भी बड़ी है भाई, ठीक है? और जिसको मिलाया है, जस्ट लाइक कि एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें एक चम्मच से भी कम हम मिलाएंगे भाई नमक, शुगर का अच्छा डॉप चल ही जाएगा, लेकिन सॉल्ट अगर मिलाएंगे तो एक चम्मच से ही कम मिलाएंगे। दैट्स व्हाई जो बड़ा है, जो बड़ा है, जो मतलब जो मात्रा में बड़ा है, रेशो भी जिसका बड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, और जो जिसको हम उसमें मिला रहे हैं उसको सॉल्यूट कहेंगे। समझ में आया? अब सॉल्यूशंस है कुछ, वो करेंगे इसके बाद। एक टेबल है छोटी सी, और राइट, इसको करना है तुम्हें, करो करो।
करो भाई और याद भी करो इन सब चीजों को अच्छे से। हाँ जी, सॉल्यूशन के बारे में कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है देखो भाई, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, एडजस्ट कर लेना। सॉल्यूशंस क्या होते हैं जब दो चीजों को मिलाते हैं। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ नमक और चीनी को मिलाते रहेंगे पूरा टाइम, और क्या बोलते हैं पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर हम चीनी को, ठीक है, वाटर प्लस शुगर वाटर प्लस सॉल्ट सिर्फ यही करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर हम बात करें सॉलिड इन सॉलिड की, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि स्टील कैसे बना, आयरन को मिलाया और कॉपर, ठीक है। चलो जी आते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया। अलॉय सच एज ब्रास, ब्रास कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक, और ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टिन। तो दोनों क्या है, सॉलिड चीजें हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, लेकिन एक जो हमारी प्रॉपर जो एक प्रोपोर्शन थी, फिक्स प्रोपोर्शन थी, एक मतलब एक रेशो था, उसके अकॉर्डिंग मिलाया होगा तभी तो बना होगा, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में, जैसे कि शुगर को वाटर में, और जो हमारा सॉल्ट होता है उसको वाटर में। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल में जो आयोडीन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस के अंदर, जैसे कम्फर्ट इन एयर, गैस एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती है हमारी एयर के अंदर, ऑलराइट। और अगर हम कपूर को रख देते हैं तो कैम्फर मींस क्या, कैम्फर मींस क्या भाई, कपूर। तो जब कपूर को रख देंगे तो एक टाइम बात भी करोगे वो वहाँ पे नहीं है, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉलिड है वो एयर में गैस में मिक्स हो जाएगा, ऑलराइट। सॉलिड इन गैस हो गया, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड के अंदर, जैसे कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में, अल्कोहल को वाटर में, फिर वाटर को अल्कोहल में। लिक्विड इन गैस, जैसे कि क्लाउड हो गए, फॉग हो गई, क्या होती है, जा रही है बन के, क्या बोलते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्लाउड्स बनाते हैं और फॉग बनाते हैं। अब कहाँ से आई रात को जो फॉग होती है, कहाँ से आई पता नहीं, कहाँ से आई है ना, क्या होती है फॉग, नहीं पता क्या होती है फॉग भाई, क्या होती है, कोहरा। आगे आते हैं, गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस इज अब्सॉर्ब्ड ओवर द सल्फेट ऑफ मेटल, याद रखना, सरफेस ऑफ मेटल। गैस इज गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जब मिलाया गया गैस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं, जो हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनमें से क्या होता है, गैस, जब उसमें नमक डालते हैं तो गैस आ जाती है बाहर, आती है ना, तो क्या होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी में नहीं हुई है वो लिक्विड्स में, तो गैस इन लिक्विड्स, समझ में आया, गैस इन गैस। अब देखो कितनी सारी ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी गैसेस यहाँ पे मौजूद है। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज O2, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, बहुत सारी यहाँ पे क्या है हमारे पास में गैसेस है। अब यहाँ पे है हम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है बिकॉज हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी है, सारी गैसेस है ना यहाँ पे भी, तो गैस में गैस मिक्स हो रही है, समझ में आया। तो जो भी हमारा बनेगा क्लाउड, अल्कोहल इन वाटर, जो हम शरबत बना रहे हैं, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट, ऑलराइट। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, कंपाउंड होता है और एलिमेंट होता है। अगर इम्प्योर की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, समझ में आया, और ये याद करने वाली चीजें होती है, लिखना है, करो नोट। माइक्रोस्कोपिक, हाँ जी, बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ पर, तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे कि कौन उसमें कितनी मात्रा में है, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, तो कैसे निकालेंगे। अब भाई मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन लिख लेना अपने आप से, ऑलराइट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ऑलराइट। अगर मास बाय मास, मास दे रखा है दोनों का, किस किस का हुआ मास दे रखा है, सॉल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे मास, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऑलराइट। अगर मास बाय वॉल्यूम, मास एक चीज का मास दे रखा है, चीज का वॉल्यूम दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का, इनटू करते हैं 100 से, ऑलराइट। आगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम दे रखी है, सॉल्यूट की वॉल्यूम ऊपर, सॉल्यूशन की वॉल्यूम नीचे, इनटू 100, हम
हमारा क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा हमारा कंसंट्रेशन। तो जो भी परसेंटेज आएगी आगे इसको करने के बाद, किसी का कोई कुछ दे रखी होगी, किसी का कुछ दे रखा होगा नंबर, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज आएगी वही क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। समझ में आया, हो जाएगा, लिखना है, लिखो लिखो जी लिखो। इसके बाद सस्पेंशन नेगेटिव एलिमेंट, सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ हेटेरोजेनियस कॉम्बिनेशन। हेटेरोजेनियस कॉम्बिनेशन होता है मतलब विषमांगी, क्या होता है, विषमांगी होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स टू नॉट डिसॉल्व, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं जिसको हम मिला रहे हैं वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। स्टे सस्पेंडेड इन द मीडियम्स बल्क, तो क्या होते हैं, सस्पेंडेड पड़े रहते हैं। जैसे कि मिक्सिंग फ्लोरिन वाटर, हमें पता चल रहा है कि आटे में हमने पानी मिलाया है, पता चल रहा है आराम से, डिजोल्व तो नहीं हुआ। मडी वाटर, ठीक है, चोक वाटर, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम दी चिमनी, ऑलराइट। फिर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे हमारे, सस्पेंशन। अब हम आते हैं सोलूट, देखो ये भी ऐसे होता है जिस तरह से हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट किया था। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, डिस्पर्स्ड फेज होता है इसका, जिसमें क्या होता है कि जिसको हम मिला रहे हैं उसको बोलते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम होता है जिसमें मिला रहे हैं। पढ़ो, द स्कैटर्ड पार्टिकल्स और सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलोइड, ठीक है, क्या होता है कि कोलोइड जो पार्टिकल्स है जिसको हम उसमें मिला रहे हैं, जो सॉल्यूट है, और यहाँ पे जिसके अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आर एडेड, जिसके अंदर का जिस चीज में डिसॉल्व किया जा रहा है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ऑलराइट, अच्छा लगा, यस मैम, समझ में आया, यस मैम। ये हो जाएगा हमारा हेटेरोजेनियस, मतलब विषमांगी, जब पूरी तरह से नहीं मिलता, जब पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, ऑलराइट। चलो जी ये थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू जी बालको, थैंक यू सो मच, ओके।